हेलो प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन है द स्कॉलर्स मदर टंग, एक दिन मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी इसमें ट्रांसलेशन आपको करा दी थी, सारा समझा दिया था लेसन, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये न्यू वर्ड्स हैं जो इनके वर्ड मीनिंग्स करा दिए थे, साथ में क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है लेट्स टॉक, व्हाट इज योर मदर टंग, कि आपकी मदर टंग क्या, आपकी मातृभाषा क्या है। टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, ठीक है। तो मैंने तो ये लिखा है कि मदर टंग जो है वो मेरी हिंदी है, ठीक है। और टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में क्लास को एक चुटकुला सुनाओ। तो अब वो आप अपने आप सुना लेना जो भी आपकी मदर टंग होगी। मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, कि आपको क्या कोई और लैंग्वेज आती है। तो मैंने ये लिखवाया कि इंग्लिश हमें आती है। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैंने एक जोक बता दिया, टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताओ। चलो कर लेते हैं, ये मैंने रजिस्टर पे दोनों क्वेश्चंस लिख लिए हैं, चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज योर मदर टंग, मैंने लिखा है माय मदर टंग इज हिंदी। अगर आपकी मदर टंग कोई और है, मातृभाषा अगर आपकी कोई और है, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, जो भी है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। तो मैंने डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, उसका आंसर मैंने लिखा है आई नो हिंदी, और डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, तो मैंने जोक जो इंग्लिश में एक लिख लिया है। तो जोक इन इंग्लिश मैं करवा देती हूँ आपको, आई होप आपको पसंद आएगा। मदर टू चाइल्ड, मम्मी मदर जो है वो बच्चे को बोलती है, हाउ डिड यू डू इन योर एग्जाम, तुमने एग्जाम में कैसा किया। डिड यू नो ऑल द क्वेश्चन, क्या तुम्हें सारे क्वेश्चन आते थे। चाइल्ड टू मदर, बच्चा जो है वो मम्मी को बोलता है, मॉम आई न्यू ऑल द क्वेश्चन बट आई डिडेंट नो देयर आंसर्स, मम्मी मुझे क्वेश्चन तो सारे आते थे, पता थे, लेकिन मुझे उनके आंसर्स नहीं पता थे। तो कितना अच्छा हो गया ना ये वाला जोक इंग्लिश में, तो आप ये क्लास में भी सुना सकते हो, ठीक है। अगला वाला जो है लेट्स लिसन, इसमें क्या, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, एक रेडियो या टीवी पे कोई भी एड देखो, रिपीटेड विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। आपने क्या करना है, एक एड देखनी है टीवी पर या फिर रेडियो पे सुननी है, और उसको यहाँ ड्रॉ भी करना है और उसको यहाँ पे एड लिखनी भी है। तो ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर अभी करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप खुद कर सकते हो, वैसे बहुत ईजी आप कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं से अलाउड, इसमें क्या है, से अलाउड मतलब ऊंचा बोलो, मैं बोलती हूँ आप मेरे साथ साथ बोलो, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, सेम साउंड कर रहे हैं ना, राइमिंग वर्ड्स हैं। स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है ना, लेकिन क्या है इनमें, ये वाली फर्स्ट साउंड जो है वो सेम है, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ठीक है। वी से आई लर्नड माय लेसन, तो ये एक्शन वर्ड है, मतलब अब ये एक वर्ब है, ठीक है। बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है यहाँ पे लर्नेड, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एडजेक्टिव, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में करवाया भी हुआ है। वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड टू राइम विद क्रिएटेड, वेटेड, हम इसको लर्नेड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लर्नेड, लर्नेड, ठीक है, टू राइम विद क्रिएटेड, वेटेड। टेक द वर्ड्स व्हिच एंड विद द साउंड आईडी, से ईच वर्ड अलाउड, तो आईडी जैसे लर्नेड, क्रिएटेड, वेटेड, ठीक है, उसी तरह से कौन से वर्ड्स हैं जो उसी तरह से फिनिश होते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, कंप्लीटेड हो रहा है, फाइंड नहीं हो रहा, आंसर्ड भी नहीं हो रहा, चैलेंज्ड भी नहीं हो रहा, लिक्ड भी नहीं हो रहा, इरिटेटेड हो रहा है, क्राइड हो रहा है, सेलिब्रेटेड हो रहा है, फेल्ड नहीं हो रहा, सरप्राइज्ड हो रहा है, फ्राइड हो रहा है। तो मैंने टिक कर दिए वो जो हो रहे हैं आईडी से, इसी साउंड से, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, आपने स्टोरी से वर्ड्स लेकर एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, और मदर टंग में भी उसको क्या बोलते हैं वो भी आपने बताना है। से दीज वर्ड्स अलाउड, उन वर्ड्स को ऊंचा बोलना है। देन मेक सेंटेंसेज विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी, और अपनी क्लास डिक्शनरी में वो वाले सेंटेंसेज जो है आपको लिखने हैं, ठीक है। देन मेक सेंटेंसेज, ठीक है, तो हमने एक तरह से डिक्शनरी बना रही है, तो मैंने फाइव वर्ड्स ले लिए हैं। इसी तरह से अगर हर स्टूडेंट जो है फाइव फाइव वर्ड्स बनाएंगे तो कितने ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे ना आपके, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लास डिक्शनरी भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है वर्ड इन इंग्लिश, फिर वर्ड इन माय मदर टंग, उन्होंने बोला ना अपनी मदर टंग में उसको क्या बोलते हैं ये भी बताओ, और फिर सेंटेंस बताना है, बनाना उस वर्ड का। फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, द किंग वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट, जो किंग है, राजा है, वो कोर्ट में बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्टियर्स, इसकी इंग्लिश होती है दरबारी, द कोर्टियर्स वर लिसनिंग टू द किंग, जो कोर्टियर्स दरबारी थे वो किंग को सुन रहे थे, ठीक है। चैलेंज, चुनौती, माई फ्रेंड एक्सेप्टेड माई चैलेंज, मेरे फ्रेंड ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली।
नेक्स्ट है क्वाइटली, मतलब चुपचाप. ही वेंट आउट क्वाइटली, वो चुपचाप चला गया. नेक्स्ट है ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब सच. माय ब्रदर टोल्ड मी द ट्रूथ, मेरे ब्रदर ने मुझे सच बताया. तो ये जगह बनी हुई थी उसके लिए, क्लास डिक्शनरी के लिए, पर मैंने रजिस्टर में लिख लिया था. तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपको बुक में लिखना है तो आप बुक में लिख लीजिएगा. नेक्स्ट है राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखो, सारे वर्ड्स जो बताते हैं कि आप जब खुश होते हो तो आप बोलते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हा हा, ठीक है. एड मोर, और भी एड करो. वाओ, याहू, वू, ये सारे वर्ड्स भी बताते हैं कि हम खुश हैं. टिक द राइट आंसर. आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मैं इसका क्या मतलब है कि आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. यू ऑलवेज लिव देयर, नहीं, यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये होगा इसका आंसर. टू इमिटेट समवन मीन्स, किसी की नकल करना, उसका क्या मतलब होता है. कॉपी समवन, यस, कॉपी समवन होता है, ठीक है, बाकी दोनों नहीं है. नेक्स्ट है लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. तो देखो कॉलम्स को फिल करना है, जैसे फर्स्ट का हुआ हुआ है. क्वाइट, क्वाइटली, फ्लुएंट, फ्लुएंटली, एंग्री, एंग्रीली, सैड, सैडली, फियर्स, फियर्सली, जेंटल, जेंटली, ठीक है. फिफ्थ, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी. किंग, जैसे मैंने यहां 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, फिर इधर मैच करके लिख दूंगी. किंग का किसके साथ हो रहा है, कोर्टियर्स. टीचर का स्टूडेंट्स के साथ. डॉक्टर, पेशेंट्स. बस ड्राइवर, पैसेंजर्स. लॉयर, क्लाइंट्स. मदर, चिल्ड्रन, ठीक है. आगे चलते हैं. प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, एड ए और एन बिफोर इट, नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है. हमने ए एन लिखना है इनके आगे और फिर सेंटेंसेस बनाने हैं जितने हो सकते हैं. आगे जगह भी दी हुई है, उसी पे बनाया मैंने. जैसे रग, अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट. एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल, अ रिस्ट वॉच. एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन आइसक्रीम. अ बो, एन एरो, अ बॉल, अ बैट, अ डॉल. अ वेस्ट कोट, अ लॉन्ग कोट, अ रेन कोट, एन अम्ब्रेला, ठीक है. तो ए और एन की मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां जाकर आप देख सकते हो. नेक्स्ट है नीना, कैन आई हैव डैश प्लीज, तो आपने फिल करना है ब्लैंक उस वर्ड्स में से. तो कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज, यस हेयर यू आर, हाँ बिल्कुल. जीविका, कैन आई हैव एन आइसक्रीम टू, क्या मैं आइसक्रीम भी ले सकती हूँ. निखिल, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, नहीं तुम वो नहीं ले सकती. आगे चलते हैं. मेक मोर सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से लेकर कुछ और वर्ड्स भी लिख, कुछ और सेंटेंसेज लिखने हैं. मैंने 6 लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हो, या कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हो, या फिर यही सेम भी लिख सकते हो. आई एम गोइंग टू बाय अ बेडशीट एंड अ पिल्लो, मैं बेडशीट और पिल्लो खरीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. एन अलार्म क्लॉक हेल्प्स अस टू गेट अप इन टाइम, अलार्म क्लॉक जो हमें हेल्प करती है टाइम पे उठने में. आई वॉन्ट अ डॉल ऑन माई बर्थडे, मुझे अपने बर्थडे पर एक डॉल चाहिए. आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, मैंने कल एक अम्ब्रेला खरीदी, छतरी खरीदी मतलब. आई वॉन्ट अ बो एंड एन एरो ऑन दशहरा, मुझे एक तीर और कमान चाहिए दशहरा पे. अ लॉन्ग कोट विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम विंटर्स, जो लॉन्ग कोट है मुझे सर्दियों से बचाएगा, सर्दी से बचाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है लेट्स शेयर, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, बीरबल को कैसे पता चला कि पंडित की मदर टंग क्या है, मतलब मातृभाषा. एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले, तो आप एक क्लास प्ले भी बना सकते हो इसको, ये वाली चीज करके कि सोया हुआ है पंडित और बीरबल आया और उसके कान में कुछ बोला और फिर फैदर से उसकी गुदगुदी करी, ठीक है, ये करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है. चलो लेट्स शेयर, ये तो एक्ट करना, ये तो आप क्लास में करोगे ना, और अगर घर में हो तो मम्मी पापा के साथ भी कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा ये वाला, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग. तो ये है, बीरबल विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद द फेदर, बीरबल ने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उसको फेदर से, एक पंख से गुदगुदी करी. द पंडित क्राइड आउट सडनली एंड शाउडेड इन हिज मदर टंग, और पंडित जो है एकदम से चिल्लाया और अपनी मदर टंग जो मातृभाषा में उसने शाउट किया, जोर से बोला. दिस इज हाउ बीरबल फाउंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, इस तरह से बीरबल को पता चल गया पंडित की मातृभाषा, क्योंकि जब भी कोई गुस्से में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है, ठीक है. तो पंडित ने भी बोला तेलुगु में, तो बीरबल को पता चल गया कि पंडित की जो मातृभाषा है वो तेलुगु है. नेक्स्ट है द ट्रुथ बेलून, ट्रुथ बेलून इसमें क्या है, सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे, सपोज करो कि आप एक कैंपिंग हॉलीडे पे जा रहे हो. व्हाट आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू, कौन सी फोर जरूरी चीजें जो आप अपने साथ
कैरी करोगे. चूज फ्रॉम द टैग्स अटैच टू द हॉट एयर बलून, और हॉट एयर बलून है इसके ये नीचे बहुत सारे टैग्स दिए हुए, इनमें से चूज करना है. तो मैंने जो चार चूज करी है वो ब्लैंकेट, एक तो हम ब्लैंकेट लेके जाएंगे क्योंकि ठंड हो जाती है रात को, मनी पैसे लेके जाएंगे जरूरी है, फूड पैकेट्स भूख लगेगी तो क्या करेंगे, और फर्स्ट एड किट क्योंकि छोटी मोटी अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड किट चाहिए होगी. नेक्स्ट है ये वाला फन टाइम क्रॉसवर्ड फन. तो इसमें क्रॉसवर्ड फन है या क्रॉस और डाउन वाले लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमने क्रॉसवर्ड जो है बनाना है, फिल करना है. ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जल्दी ही बनाऊंगी अलग से वीडियो. तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना वीडियो को, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छी लगी ये वाली वीडियो. तो चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.